हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डीके बाइक में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं, ये डिस्कवर गाड़ी है जो कस्टमर को कहना है। गाड़ी चलने के बाद गाड़ी जैसे रोड पे हिलता है बताता है। तो देखिए, इसमें हम फॉल्ट निकाले हैं जो इसका चक्का में काफ़ी ज़्यादा ढक है, पले है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा पले है इसको। तो इसको हम अभी सही करेंगे और किस प्रकार से सही करते हैं, तो आइए देखिए, वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम इसको चक्का को खोलते हैं। तो खोलने के बाद इसको हम देखेंगे जिसमें क्या इसका बैरिंग खराब है या कोई और फॉल्ट है। तो खोल के हम पहले चेक करेंगे, फिर देखते हैं जी इसको कैसे सही करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने एक्सल खोल लिए हैं और एक्सल खोलने के बाद चक्का निकाल लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसका बैरिंग ये है जो देखिए, चक्का को हल्का सा टेढ़ा किए तो उसमें इसका बैरिंग निकल गया। देखिए दोस्तों, इसका बैरिंग निकल गया, तो इसका सीट जो है, बैरिंग का सीट खराब हो चुका है, वो ढीला हो गया है। देखिए तो सीट को या तो खराद पर जाके बनवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम इसमें जुगाड़ लगा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से जुगाड़ लगा रहे हैं। तो ये छोटा सा इसमें टुकड़ा एक छो चरदा का काट के हम इसमें डालेंगे। जो देखिए हम टुकड़ा ये काट रहे हैं, तो इसमें से छोटा सा एक टुकड़ा हम इसमें से निकाल लिए हैं, जो कि उसको हम बैरिंग के साइड में डाल के और बैरिंग को इसमें फिर फिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसमें हम सीट की जगह पे थोड़ा सा चदरा डाल दिए हैं और बैरिंग को इसमें फिट कर रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल टाइट फिटिंग हो रहा है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा टाइट है। तो इस प्रकार से इसको हम इसमें ठोक लेते हैं, और ठोकने के बाद जो एक्स्ट्रा जो भाग इसका बचा हुआ है उसको हम ये पेचकस की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम निकाल रहे हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसमें से सारा एक्स्ट्रा वाला जो भी है उसको हम इस प्रकार से काट के निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हो गया है, कट गया है। और फिर इसको हम अब चक्का को फिट करते हैं। फिट करने के बाद देखते हैं क्या इसमें पहले है या ख़त्म हो गया। तो लीजिए, अच्छी तरीके से इसको हम फिट करेंगे। फिर ये सारा बोल्टू अच्छी तरीके से टाइट होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा अगर ढीला रह जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, हम इसमें चक्का फंसा दिए हैं और ये नट टाइट कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है जी, इसका टाना बोल्ट का जो भी बोल्ट है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, लूज नहीं रहना चाहिए, तो फिर सही रहेगा। नहीं तो फिर लूज रहेगा तो ये अगर खुल जाता है तो आपका ब्रेक और फंस सकता है, चक्का जाम हो सकता है। तो इसलिए उसको अच्छी तरीके से टाइट करना चाहिए। लीजिए, हम ब्रेक भी टाइट कर लिए। तो अब हम थोड़ा सा चक्का इसको नचा के और फिर ब्रेक मार के रखेंगे, तब उसको चक्का ना टाइट करेंगे, जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम चक्का ना टाइट करके और फिर देखेंगे साइड पले इसमें है या नहीं है। तो देखिए, इसको हम चक्का ना टाइट कर रहे हैं। तो हो गया है ये टाइट, फुल्ली टाइट हो गया। अब हम देखेंगे इसमें प्ले है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें प्ले थोड़ा सा भी नहीं है, जो हम चक्का हिला रहे हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा सा भी प्ले नहीं है, बिल्कुल सही हो गया है। तो अब गाड़ी ये बिल्कुल सही चलेगा, गाड़ी लहराएगा नहीं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।